सोमवार को जीएमसीएच 32वीं डॉक्टरों ने जमकर हंगामा किया। सभी डॉक्टरों ने डायरेक्टर ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया। इन डॉक्टरों में अधिकतम लेडी डॉक्टर शामिल थी जो जस्टिस की बात कर रही थी। दरअसल लेडी डॉक्टर से छेड़छाड़ का मामला अतूल पकड़ता जा रहा है। जीएमसीएच 32 में डॉक्टर इसमें इंसाफ की मांग कर रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि जिस ओटी टेक्नीशियन ने छेड़छाड़ की है उसकी गिरफ्तारी की जाए। इसी मांग को लेकर आज डॉक्टर ने 2 घंटे तक अस्पताल परिसर में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे इन लेडी डॉक्टरों में रोष था, जिनका कहना है कि दिन दिहाड़े एक डॉक्टर के साथ सेक्सुअल हरासमेंट की जाती है और इस मामले में कई बार शिकायत देने के बाद भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया। वे इसमें न्याय लेकर रहेंगी। ओटी टेक्नीशियन ने गलत तरीके से छेड़ा ओटी के अंदर विद इन द ड्यूटी टाइमिंग्स, ठीक है। तो वी आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट इट कि ऐसी किसी भी फीमेल को ऐसे को हम सेक्सुअली हरास नहीं कर सकते हो। शी इज जस्ट अ 27-year-old फीमेल, अ डॉक्टर एंड एनेस्थीसिया रेजिडेंट सेकेंड ईयर, ठीक है। उसको ऐसे ही दिन दहाड़े एक ओटी टेक्नीशियन ऐसे सेक्सुअली असॉल्ट कर दे, दिस इज नॉट मेट। तो पुलिस ने क्या बोला? ही हैज नॉट बीन अरेस्टेड येट, कोई कार्रवाई अभी नहीं हुई गई है। अब आपकी डिमांड क्या क्या रखा? हमारी डिमांड ये है कि जल्दी से जल्दी उसे अरेस्ट किया जाए और कोई बेल नहीं जाए बिकॉज इट्स अ नॉन बेलेबल ऑफेंस। और इस तरह से हमें हमारी सेफ्टी यहाँ पर फीमेल वर्कर्स की इंश्योर की जाए कि इस तरह का इवेंट आगे जाके कभी ऐसा नहीं है। अब आप किससे मिलने गए हैं अंदर? अंदर हम एसएचओ का वेट कर रहे हैं। वी वांट टू नो कि अभी तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया, अभी तक वो क्यों नहीं अरेस्ट हुआ है, इतने दिन हो गए जब इस इंसिडेंट को। वहीं प्रदर्शन बढ़ता देख मौके पर जीएमसीएच 32 की डायरेक्टर जसविंदर कौर भी पहुंची। इस मामले में ओटी टेक्नीशियन के खिलाफ कार्रवाई की गई और उसे तुरंत सस्पेंड कर दिया गया। गौरतलब है कि मामले को बढ़ता देख अस्पताल प्रशासन को आरोप लगे व्यक्ति को तुरंत सस्पेंड करना पड़ा। पंजाब के सी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट।